भारती मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, भारती मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नोकिया के नोकिया 5 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नोकिया 5 में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या इसमें नया और कैसा दिखने वाला है ये फोन। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले दोस्तों मैं ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे नई नई वीडियोस की अपडेट पा सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस अपडेट्स। दोस्तों ये है नोकिया 5 जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नोकिया 5 कैसा है, क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसी है और कैसा ये फोन आपको मिलने वाला है। दोस्तों जो रिलीज हुआ था ये वो रिलीज हुआ था दोस्तों जुलाई 2017 में। जो इसका वेट रहने वाला है वो 160 ग्राम रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये फोन कैसा है। दोस्तों फ्रंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे नोकिया की एक सिंपल सी एक स्नैप दी गई है जो सभी फोनों पे नोकिया की आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर इसका नोकिया बात करें बैक की तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया नोकिया का बैक का एक मॉडल स्नैप उसकी और यहाँ पे लिखा हुआ है नोकिया 5। और यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी गई है जो कि प्रीमियम एल्यूमिनियम बॉडी के साथ ही आ रहा है। 4G वोल्ट सपोर्ट करता है दोस्तों। 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इसमें आपको चिपसेट मिलने वाला है। 5.2 इंच की HD पोलराइज डिस्प्ले दोस्तों मिलने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस के साथ आपको कैमरा मिलने वाला है। इसके बारे में दोस्तों बाद में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। तो एंड्रॉयड नोगेट 7.1 आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस फोन को ओपन कर लेते हैं और साथ में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये है वो फोन सैमसंग नोकिया का नोकिया 5। तो चलिए दोस्तों इस फोन को करते हैं साइड पे और देखते हैं कि आप में को इसमें क्या क्या मिलने वाला है जो कि एक्सेसरी है। दोस्तों एक्सेसरी में दोस्तों आपको मिलने वाली है एक सिम इंजेक्टर टूल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक मिलने वाले हैं सिंपल से नोकिया के हेडफोन्स जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के मुझे नहीं लग रहे दोस्तों। उसके बाद बात करें तो दोस्तों आपको एक मिलने वाली है USB केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है दोस्तों। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मिलने वाला है नोकिया का चार्जर जो कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल सा चार्जर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फोन की तरफ चलते हैं कि फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फोन में दोस्तों आपको मिलने वाला है 160 ग्राम का ये फोन रहने वाला है। उसके बाद अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस दोस्तों काफी कम रहने वाली है जो कि 8 mm की, जो कि सैमसंग एसेट प्लस से काफी कम है दोस्तों। और उसके बाद बात करें दोस्तों इसमें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको मिलने वाली है IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है दोस्तों। दोस्तों जिसका 5.2 इंच की ये डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर इसकी PPI की बात करें तो आपको 282 PPI इसकी मिलने वाली है। तो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है दोस्तों तो वो आपको मिलने वाली है 68.7% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाली है दोस्तों। चिपसेट की बात करें तो इस फोन में जो आपको चिपसेट मिलने वाला है दोस्तों वो है क्वालकॉम का MSM8937 जो कि है स्नैपड्रैगन 430 का। CPU की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है ऑक्टाकोर 1.4 GHz का CPU जो कि है GPU है जो वो है दोस्तों एंड्रिनो 505। और दोस्तों इसमें इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 16GB की इंटरनल मेमोरी है और दोस्तों 2GB की रैम आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो जो आपको दोस्तों फ्रंट में कैमरा मिलने वाला है वो है 8.0 मेगापिक्सल का जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है तो वो बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपैचर सपोर्ट करता है ये वो है 2.0 इसका अपैचर रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक कैमरा मिलने वाला है। यहाँ पे मिलने वाला है एक सिंपल
तो सभी फोनों में आपको आ रहा है एक स्पीकर और यहाँ पे नोकिया का एक लोगो बना हुआ है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलने वाला है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बटन्स मिलने वाले हैं जो कि बैक और नॉर्मल आपको सभी फोनों में मिल जाएंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे क्या मिलने वाला है, एक मिलने वाला है माइक, यहाँ पे दोस्तों है एक चार्जिंग पोर्ट, और उसके बाद आपको मिलने वाले हैं जो वो मिलने वाले हैं यहाँ पे स्पीकर्स। इस साइड की बात करें तो आपको दोस्तों पावर बटन मिलने वाला है और वॉल्यूम रॉकर्स मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ऊपर की बात करें तो 3.5 mm जैक, यहाँ की बात करें तो आपको दोस्तों एक मेमोरी कार्ड और एक सिम ट्रे आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। अगर बैक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलने वाला है, उसके बाद नीचे है एक 13 megapixel का कैमरा जो कि जिसका एफ है 2.2 अपर्चर। इसके बाद दोस्तों नीचे की बात करें तो यहाँ पे ड्यूल LED फ्लैश आपको मिलने वाली है, यहाँ पे मिलने वाला है नोकिया का एक लोगो दोस्तों। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करें तो ये बैटरी दोस्तों आपको मिलने वाली है 3000 mAh की, इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है। काफ़ी स्लिम और काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन है नोकिया 5 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करके देख लेते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी रहने वाली है, क्योंकि इसमें इन्होंने कैमरा तो काफ़ी अच्छा दे रखा है 8 megapixel का और 13 megapixel का। तो देखते हैं कि इस ऑन करके इस फ़ोन में क्या क्या है दोस्तों। ये दोस्तों नोकिया 7.1 सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें ओरियो 8.0 आप इसको अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। ये ओरियो 8.0 को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये फोन ऑन हो चुका है, तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी रहने वाली है। तो स्क्रीन की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है, और आप देख पा रहे होंगे कि कैमरा क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे फ्रंट की कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी क्वालिटी दोस्तों इस फोन में आपको मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक कैमरा आपको दोस्तों फ्रंट कैमरा मिलने वाला है जो कि है 8 megapixel का। बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा आपको कैसा मिलने वाला है, तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैक कैमरा भी आपको मिलने वाला है दोस्तों जो कि है 13 megapixel का। तो दोस्तों ये है जो स्नैप जो मैंने क्लिक अभी की है दोस्तों, काफ़ी अच्छी आई है दोस्तों, काफ़ी अच्छे कलर्स आए हैं, काफ़ी अच्छा दोस्तों एक कैमरा आपको नोकिया 5 में मिलने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी आपको एक अच्छा फ़ोन मिलने वाला है, काफ़ी स्लिम फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी एक आपको बेटर क्वालिटी का, मैं नोकिया के फ़ोन की बात करूं तो एक बेटर क्वालिटी का, अगर आप नोकिया के फैंस हैं तो आपके लिए एक अच्छा फ़ोन है दोस्तों। अगर आप नोकिया के फैन हैं तो इस रेट में दोस्तों आपको एक अच्छा फ़ोन नोकिया प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। अगर बात करें स्क्रीन की तो IPS डिस्प्ले है जो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपको क्या कौन सा सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नोगेट 7.1.1 आपको इसमें मिलने वाला है दोस्तों। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मॉडल रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, जो मॉडल रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपके लिए TA1053 जो कि आपको इंडिया में मिलेगा। तो अगर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो 1 जून को इसकी पैच की अपडेट आई थी दोस्तों, जो कि अपडेट हुआ है। तो दोस्तों आपको एक नोकिया 5 एक अच्छा फ़ोन आपको मिलने वाला है दोस्तों, काफ़ी अच्छे कैमरास दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी लुक दी गई है दोस्तों, जो लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी दी गई है। उसके बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी एक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें मिलने वाली है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।